नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सक्सेस एजुकेटर के यूट्यूब चैनल पे। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का जो आपका इंग्लिश का सब्जेक्ट रहता है उसके जो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आज हम डिस्कस करेंगे। हम ऑलरेडी जो है इंग्लिश के कुछ वीडियोस अपलोड कर चुके हैं, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो अगर आप इसकी तैयारी कर रहे हैं तो टाइम वेस्ट ना करिए, नोटिफिकेशन का वेट मत करिए, क्योंकि नोटिफिकेशन जो है नवंबर के जो है एंड तक आ ही जाएगी। और इसके लिए जो है सरकार ने नोटिफिकेशन भी जारी की थी कि उनकी बैठक में जो है जिन्होंने वहाँ पे बताया कि 1000 लगभग जो आपकी पोस्टें रहेंगी वो भरी जाएंगी। तो आप वेट मत कीजिएगा, क्योंकि सिलेक्शन उसी का होगा जो कि तैयारी अपनी अच्छी रखेगा। ओके, तो आज हम कर रहे हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साइड में आपको बेल आइकन देखने को मिल जाता है, उसे ज़रूर दबाइएगा दोस्तों, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलो आज हम पहला क्वेश्चन है हमारे पास, अ पर्सन लिविंग परमानेंटली इन अ सर्टेन प्लेस। देखिए, एक बंदा, एक पर्सन जो एक प्लेस पे परमानेंटली रहता है उसे हम क्या बोलते हैं? तो खुद इसका आंसर दीजिए पहले, तो उसके बाद ही मेरा आंसर देखना। ओके, तो उसे कहते हैं दोस्तों डोमिसल। आप कंफ्यूज रहेंगे रेजिडेंट और डोमिसल में, लेकिन राइट आंसर होगा यहाँ पे डोमिसल में। देखिए, आपका डोमिसल क्यों मांगा जाता है एग्जामिनेशन के लिए हिमाचल प्रदेश के, तो आपने देखा होगा, क्योंकि वो देखना चाहते हैं कि ये परमानेंट नागरिक है इस स्टेट का या नहीं है। ओके, तो इसलिए जो है डोमिसिल। अब आपने देखा कि 15 साल लगभग रहना पड़ेगा J&K में, तब जो है वहाँ का डोमिसिल वो कैंडिडेट गिना जाएगा, ठीक है, यानी कि वो परमानेंटली उस स्टेट का नागरिक है। तो ये जो है यहाँ पे परमानेंटली अगर पर्सन एक प्लेस पे रह रहा है तो उसे हम बोलेंगे डोमिसिल है वो, ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं वन हु लव्स मैनकाइंड। तो वन हु लव्स मैनकाइंड, जो मानवता को जो है पसंद करता है, प्यार करता है मानवता की, तो उसे हम बोलते हैं फिलेंथ्रोपिस्ट, राइट, तो उसे हम बोलते हैं फिलेंथ्रोपिस्ट। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा जाता है एग्जामिनेशन में। नेक्स्ट हम चलते हैं अ गवर्नमेंट रन बाय डिक्टेटर। तो किसी डिक्टेटर के द्वारा, यानी कि तानाशाह के द्वारा जो है अगर कोई गवर्नमेंट को चला रहा है उसे, कोई पर्टिकुलर बंदा, तो उसे हम क्या बोलेंगे? तो उसे हम बोलते हैं ऑटोक्रेसी, ठीक है, राइट ऑप्शन आपका ए होगा, ऑटोक्रेसी बोलते हैं जो अगर आपकी गवर्नमेंट जो है किसी डिक्टेटर तानाशाह के द्वारा चलाई जा रही है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं अ रेमेडी फॉर ऑल डिजीज। सभी डिजीज के लिए जो है एक दवा जिसे हम बोलते हैं रेमेडी, इलाज, इलाज जिसे हम बोलते हैं, तो उसे बोला जाता है रामबाण, यानी कि पेनेशिया, ठीक है, पेनेशिया का मतलब होता है रामबाण। तो जैसे कि हम बोलते हैं कि योगा, योगा इज़ ए पेनेशिया फॉर ऑल डिसीजेस, ठीक है, योगा करोगे तो ये एक रामबाण है सभी डिसीजेस के लिए, तो ये जो है इसका मतलब होता है पेनेशिया। नेक्स्ट इज मोर देन इनफ इन अमाउंट और कैपेसिटी। देखिए, इनफ यानी कि इनफ, ज़रूरत से ज़्यादा आपके पास अगर अमाउंट है, ओके, ज़रूरत से ज़्यादा कोई चीज़ है अगर आपके पास, तो उसे हम बोलते हैं एम्पल, बोलते हैं ना वी हैव एम्पल अमाउंट ऑफ वाटर इन आवर होम। तो ये देखिए यहाँ पे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, ये आपको एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे, ठीक है, और पूछे भी इस लेवल के जाएंगे कि या तो आपके मॉडरेट होंगे या फिर सिंपल रहेंगे, तो इससे ऊपर लेवल का जो है आपको नहीं पूछा जाएगा। तो यहाँ पे आप जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं साथ साथ, ठीक है, तो मोर देन इनफ अगर होगा आपके पास तो उसे आप बोलोगे एम्पल। नेक्स्ट चलते हैं अ हैंड राइटिंग बाय विच कैन नॉट बी ईजिली रेड। तो जो आपकी हैंड राइटिंग रहती है जो कि हम इजीली, जिसे हम नहीं पढ़ पाते हैं, तो उसे हम बोलते हैं एलिजिबल, ठीक है, एलिजिबल, एलिजिबल बोला जाता है अगर आपकी हैंड राइटिंग को कोई पढ़ नहीं पा रहा है तो उसे हम बोलते हैं एलिजिबल। तो याद रखिए IELLEGIBLE। नेक्स्ट इज वन हु कम्स टू सेटल इन ए कंट्री। तो कोई बंदा किसी कंट्री में अगर जा रहा है तो उसे हम बोलते हैं इमिग्रेंट, ठीक है। अगर मान लो मैं पंजाब से हूँ या कहीं से भी हूँ, हिमाचल से हूँ, तो पंजाब के लोग क्या करते हैं, ज़्यादातर कनाडा में जाते हैं, ठीक है, तो कनाडा में जाएंगे तो कनाडा वाले बोलेंगे ये इमिग्रेंट है यहाँ का, ठीक है, दूसरे कंट्री से आ रहा है तो इमिग्रेंट होगा। अगर इस पंजाब या इंडिया कंट्री से अगर ये जा रहा है तो इसे हम बोलते हैं एमिग्रेंट। अगर किसी कंट्री से बाहर जा रहा है तो उसे एमिग्रेंट बोलेंगे, और किसी कंट्री के अंदर आ रहा है तो उसे इमिग्रेंट बोला जाता है। ओके,
नेक्स्ट इज़ वन हु इज़ हैबिचुअली गुड टू अदर्स। देखिए, जो एक दूसरों का भला चाहता है, दूसरों के लिए अच्छा चाहता है, वो हैबिचुअल हो चुका है दूसरों की मदद करने के लिए, ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं अल्ट्रुइस्ट। ठीक है, तो हेल्पर या ह्यूमैनिटेरियन वर्ड नहीं होगा, यहाँ पे अल्ट्रुइस्ट वर्ड होगा, तो ये आप याद रखेंगे। यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए आपको हेल्पर भी दिया गया है, लेकिन राइट आंसर जो है इसका अल्ट्रुइस्ट बोला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इज़ अ प्लेस टू बरी डेड बॉडीज़। तो डेड बॉडीज़ कहाँ पे हम जो है जलाते हैं, तो वो है आपका सीमेंट्री। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा सीमेंट्री, सी ऑप्शन, अ प्लेस टू बरी डेड बॉडीज़। नेक्स्ट इज लिविंग फॉर ईयर्स एंड ईयर्स। तो लिविंग फॉर ईयर्स एंड ईयर्स इज कॉल्ड पेरिनियल। ठीक है, पेरिनियल बोला जाता है। मैं आपको एग्जांपल दूंगा, हिमालयन रिवर जो है आपकी, उसे हम बोलते हैं पेरिनियल रिवर्स। क्यों बोलते हैं? क्योंकि हिमालयन रिवर्स जो हैं वो आपके समर में भी विंटर में भी बहती हैं, राइट। वो उनका सोर्स रहता है स्नो रहता है, अगर बारिश नहीं हो रही है तो वो स्नो के थ्रू जो है बहेंगी, अगर मॉनसून है तो ऑब्वियसली बारिश होगी तो भी वो बहेंगी। तो हिमालयन रिवर जो है पेरिनियल रिवर बोली जाती हैं, क्योंकि वो सारा साल जो है बहती रहती हैं और सूखती नहीं है। और जब हम बात करें जो आपकी जो पेनिनसुलर रिवर रहती हैं नीचे वाली, गोदावरी हो गई, आपका जो कृष्णा हो गई, कावेरी हो गई, तो ये कुछ टाइम में सूख जाती हैं, क्योंकि ये मॉनसून के टाइम पे ही ज़्यादातर आपको देखने को मिलेंगी, राइट। लेकिन जो आपकी हिमालयन रिवर है वो पेरिनियल रिवर है, क्योंकि जो एकदम चलता रहे, यहाँ पे लिविंग फॉर ईयर्स एंड ईयर्स, वो कंटिन्यूसली चल रही है कोई चीज़, तो हम बोलेंगे पेरिनियल, राइट। तो आप कन्फ्यूज़न नहीं होना है यहाँ पे। नेक्स्ट हम बात करते हैं वन हु कैनॉट बी चेंज्ड और रिफॉर्म की, जिसे हम रिफॉर्म नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते, बदल नहीं सकते। ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं इनकोरेजिबल। तो इसके लिए वर्ड होता है इनकोरेजिबल, याद रखना इनकोरेजिबल होता है जिसे हम चेंज नहीं कर पाए। ठीक है, हम चेंज नहीं कर सकते, रिफॉर्म नहीं कर सकते, उसमें बदलाव नहीं ला सकते, तो हम बोलेंगे इनकोरेजिबल है ये। ठीक है, नेक्स्ट इज़ द एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट। तो जहाँ पे आपको गवर्नमेंट नहीं देखने को मिलेगी, वहाँ होगी अनार्की, तानाशाही। ठीक है, अनार्की सिस्टम हो रहता है वहाँ पे, द एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट इज कॉल्ड अनार्की। नेक्स्ट इज अ ब्रॉड रोड बॉर्डर्ड विथ ट्रीज। एक लंबा चौड़ा रोड जो है, साइड में उसके ट्री लगे होंगे, ठीक है, ट्री से भरा हुआ है वो, तो उसे हम बोलते हैं बोलवियार्ड। ठीक है, बोलवियार्ड। ठीक है, तो सी इसका राइट ऑप्शन होगा, द अ ब्रॉड रोड बॉर्डर विद ट्रीज। नेक्स्ट इज द किलिंग ऑफ वन मैन बाय अनदर। एक आदमी किसी दूसरे आदमी को मारता है तो उसे हम बोलते हैं होमिसाइड। ठीक है, सुसाइड किसे बोलते हैं? जो बंदा खुद को मार लेता है तो उसे हम सुसाइड बोलते हैं, लेकिन जो एक बंदा दूसरे बंदे को मारता है तो उसे हम बोलते हैं होमिसाइड। ठीक है, एक होता है जेनोसाइड, एक होता है जेनोसाइड। जेनोसाइड क्या होता है? एक पर्टिकुलर ग्रुप दूसरे ग्रुप को मारता है जब, ठीक है, या फिर एक पर्टिकुलर कम्युनिटी पे आक्रमण होता है तो उसे हम बोलते हैं जेनोसाइड किया गया। नेक्स्ट इज अ सब्सटेंस इन द ब्लड टेंडिंग टू न्यूट्रलाइज मैटर दैट इज हार्मफुल। एक सब्सटेंस रहता है हमारे ब्लड में जो कि हार्मफुल मैटर को न्यूट्रलाइज करने में हेल्प करता है, वो हमारा रहता है एंटीबॉडीज। ठीक है, आप रिसेंटली देख रहे हैं कि COVID-19 के चलते काफ़ी सारे जो नागरिक हैं उनमें एंटीबॉडीज़ पाई गई हैं। ठीक है, एंटीबॉडीज़ का मतलब होता है कि कुछ चीज़ें जो है हमारे ब्लड के अंदर रहती हैं, हमारे शरीर के अंदर रहती है, जो खुद ही वायरस से लड़ती हैं। ठीक है, तो अगर हमारी इम्यूनिटी अच्छी है तो हमारी एंटीबॉडीज़ भी अच्छी होंगी, एंटीबॉडीज़ जो है खुद ही जो है उस हार्मफुल वायरस को किल कर देंगी। तो एंटीबॉडीज, आई होप आपको समझ आ गया कि अ सब्सटेंस इन द ब्लड टेंडिंग टू न्यूट्रलाइज मैटर दैट इज हार्मफुल। नेक्स्ट हम देखते हैं पर्सन हु इज स्किल्ड इन हॉर्समैनशिप। देखिए, हॉर्समैनशिप घुड़सवारी में जो कि स्किल्ड है उसे हम क्या बोलते हैं? तो उसे हम बोलते हैं एक्वेस्ट्रियन। ठीक है, एक्वेस्ट्रियन होता है उसका वन वर्ड। देखिए, ये एक्वेस्ट्रियन जो है आपको ओलंपिक में भी देखने को मिलेगा। ठीक है, ओलंपिक में भी इसकी स्पर्धा होती है, तो ये आपने नाम सुना होगा, अ पर्सन हु इज स्किल्ड इन हॉर्समैनशिप, घुड़सवारी में जो स्किल रहता है उसे हम बोलते हैं एक्वेस्ट्रियन। नाम याद रखना, एक्वेस्ट्रियन। नेक्स्ट इज अ डॉक्टर हु स्पेशलाइजेस इन डिजीज ऑफ नोज। तो जो आपके नाक की डिजीज में स्पेशलिस्ट रहता है डॉक्टर, उसे हम क्या बोलते हैं? तो उसे हम बोलते हैं ऑटोलॉजिस्ट। नाम याद रखना, ऑटोलॉजिस्ट। तो जो नाक की प्रॉब्लम है उसके लिए स्पेशलिस्ट रहता है तो उसे हम बोलेंगे ऑटोलॉजिस्ट।
तो ये थी आज की वीडियो। आई होप वीडियो पसंद आए। अगर आप इसकी तैयारी कर रहे हैं या आपके फ्रेंड्स भी इसकी तैयारी कर रहे हैं, वीडियो को लाइक ज़रूर करिए दोस्तों, और जो है अपने फ्रेंड्स के साथ इसे ज़रूर शेयर करिएगा, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलती रहे नेक्स्ट आने वाले लेक्चर्स को बनाने में। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।